क्वेश्चन, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के दो समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, क्या दे रखा है बेलन दे रखा है, और इसमें से क्या करना है दो शंकु निकालने, एक तो इस तरीके से निकल जाएगा ये, ठीक है, और एक शंकु निकल जाएगा यहां से इस तरीके से, इस तरीके से दोनों तरफ से क्या निकालना, इस तरफ से भी शंकु बाहर निकाल देंगे, इस तरफ से भी शंकु बाहर निकाल देंगे, तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरफ से शंकु बाहर निकल जाएगा तो इस तरीके से ये खोखला भाग बच जाएगा यहाँ, इसी तरीके से ऊपर भी ये खोखला भाग बच जाएगा। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इस तरीके से हमारे पास में ये भाग बचेगा जिसका हमारे को क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में इस तरीके से डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है, कैसा है 3D डायग्राम है, ठीक है, तो ये 3D डायग्राम है। तो अब देखिए हमारे पास में इसका व्यास कितना देर का बेलन का 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास में क्या दे रखा है शंकु की त्रिज्या दे रखी है, सेम का सेम नीचे भी है। उसी तरीके से हम देखते हैं बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास में बेलन के अलावा जो शंकु दे रखा है, शंकु की ऊंचाई कितनी देर की है, ये जो शंकु दे रखा है इसकी ऊंचाई देर की है 12 सेंटीमीटर, कितना देर की है 12 सेंटीमीटर, तो ट्रिपलेट आ गया 5 12, तो ये कितना हो जाएगी, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हमारे को इसका क्या निकाल देना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए ये बेलन है तो बेलन का क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे को क्या करना है, दो शंकु का क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्या निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने शंकु का, दो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL होता है, क्या होता है πRL होता है। तो देखिए 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, पाई देखिए हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा है, तो पाई से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे को क्या करना है R और H को गुणा करके दो से मल्टीप्लाई कर दो, R और L को गुणा करके दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए R और H क्या होगा, R तो हमारे पास में 5 है और हमारे पास में बेलन का जो ऊंचाई है वो कितनी देर की है 30, तो 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 150 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 प्लस, अब अपने को क्या करना R और L को गुणा करना, R तो हमारे पास में 5 देर का, L कितना देर का 13 × 65, और 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 130। तो देखिए 300 ये 400 और ऊपर 30, 430, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, अधिकतम त्रिज्या का एक गोला शंकु के अंदर रखा जाता है, तब शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है शंकु, इसमें मैक्सिमम साइज का हमारे को क्या फिट करना है, एक गोला फिट करना है, क्या फिट करना है इसमें एक गोला फिट करना, इस तरीके से अपने को बताना है कि जो एक शंकु की जो त्रिज्या है और आपके पास में गोले की जो त्रिज्या, दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। जो आपके पास में शंकु दे रखा है इसकी त्रिज्या आपके पास में कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर टोटल है, ये किसका सेंटर हो जाएगा, इस गोले का सेंटर हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। हमारे को बताना है कि ये जो गोला है इसकी आपको त्रिज्या का अनुपात शंकु की त्रिज्या के अनुपात के साथ में क्या होगा, तो ये हमारे पास में क्या है सेंटर हो जाएगा, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये इस गोले की क्या है रेडियस, क्या है रेडियस, त्रिज्या कितनी है आर, और यहां से लेकर के यहां तक ये ऊंचाई टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए 8 15, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 8 15 17, ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हम जानते हैं कि ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और ये देखिए किसी भी आपके पास में जो गोला दे रखा है इसको स्पर्श करती हुई जो भुजा होती है
वो इसके साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये स्पर्श रेखा इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। और हम जानते हैं कि ये दोनों जो एंगल है बराबर भागों में कट जाता है, ये भी थीटा और ये भी दूसरा भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दो बराबर भागों में बट रहे हैं। उसके बाद में देखिए ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है किसके समरूप हो जाएगा, इस ट्राइंगल के समरूप हो जाएगा। तो देखिए हमारे को क्या मिलता है, ये जो आपके पास में रेडियस है, ये जो रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक ये भी क्या है, रेडियस ही है। यहां से लेकर के यहां तक ये रेडियस है, तो आपके पास में जो गोला है, गोला का ये भी क्या है, रेडियस ही है। तो ये रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास में जो ये आपके पास में बड़ा जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल की इस रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से और हमारे पास में क्या बराबर हो जाएगा, यहां से लेकर के देखिए यहां तक ये रेडियस आर है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 15 में से हम क्या घटा देंगे, ये वाली रेडियस घटा देंगे, तो हमारी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमारे को मिल जाएगी कितनी, 15 माइनस आर, कितनी 15 माइनस आर, जो किसके बराबर होगा, ये वाली हाइपोटेनस के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 17 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 17 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 17 आर, और इसमें क्या आ जाएगा, 15 सत्य 105, 15 बटे 120 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8 आर हो जाएगा। तो देखिए 17 में से ये माइनस का 8 आर इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 आर, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 आर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास में 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये कितना कितनी बार कट जाएगा, 5 दुनी 10 और 5 चौक 20, 24 बटावा ये 5 जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 25 24 बटावा 5, हमारे पास में क्या आ जाएगी, किसकी रेडियस आ जाएगी, हमारे पास में ये वाली जो आपके पास में गोला देर का, उसकी रेडियस हमारे को मिल जाएगी। हमारे को किसकी रेडियस का रेशियो देखना है, एक तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 8। दूसरी अपने को क्या देखनी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, 24 बटावा 5, बटावा में 5 है, ऊपर चला जाएगा तो ये 5 यहां चला जाएगा, किससे कट जाएगा, 8 या 24। तो हमारे पास में दोनों ही जो रेडियस है उनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15√2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा जाता है, इस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इस तरीके से आपके पास में क्या है, शंकु है, क्या है, एक शंकु है, और इसके अंदर हमारे को क्या, हमने क्या फिट कर रखा है, एक गन फिट कर रखा है, क्या फिट कर रखा है, एक गन फिट कर रखा है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का हमने क्या फिट कर दिया, एक गन फिट कर दिया। तो इस गन का जो हमारे पास में साइड होगी, इस गन की साइड हमारे पास में क्या होगी, तो देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब गन की साइड पूछे तो सबसे पहले देखिए गन की साइड क्या होती है, √2 R और H का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय √2 R, और उसके साथ में क्या है, जोड़ देना है, H जोड़ देना है। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी, उस शंकु आपके पास में जो गन है उस गन की भुजा मिल जाएगी, और गन की अगर भुजा मिल जाएगी तो गन का आयतन निकाल देंगे, गन का आयतन क्या होता है, a³, इसका आंसर है। तो a की वैल्यू जो मिल जाएगी, तो a³ हमारे पास में a³ मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगी हमारे पास में साइड, तो देखिए साइड निकाल देते हैं, √2 तो देर का है, साथ में r × h, r की वैल्यू कितनी देर की, 15√2, और h की वैल्यू कितनी देर की है, 20 देर की है। तो देखिए वैल्यू रख लेते हैं, 15√2 × h, h की वैल्यू कितनी देर की है, 20, ये 20 रख लेते हैं, डिवाइड बाय √2 r, √2 × r, r की वैल्यू कितनी है, 15√2 है, प्लस साथ में क्या देर का है, h, h की वैल्यू कितनी देर की है, 20, तो हमने ये 20 रख दी। बस सॉल्यूशन कर दो, इसका आंसर लाओ, देखिए √2 का √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 15 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। तो अब देखिए 3 × 2 = 6 हो जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 600, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा,
ये देखिए रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, पंद्रह दूनी तीस, तीस और बीस कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा, कितना हो जाएगा पचास। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पांच से कट जाएगा, कितनी बार पांच एकम पांच, बच जाएगा एक, पांच दूनी दस। तो हमारे पास में साइड क्या मिल गई बारह। तो साइड अगर हमारे पास में बारह है तो हमारे को क्या याद करना है, आयतन याद करना। आयतन का मतलब ए का क्यूब, ए का क्यूब यानी बारह का क्यूब, बारह का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था।